पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे, प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे, न खाता न वही, जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 2400 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि हां कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। इसलिए
यूपी पूरी ताकत से कह रहा है